हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा जौनपुर। आज हम लोग थायरोटॉक्सिक ड्रॉप्स, थायराइड के अत्यधिक उद्योग, थायरोटॉक्सिकोसिस, बेसिडोज डिजीज़ के कारण गले में सूजन, आँख की पुतली का उभरना, हाथों में कपकपी, कमजोरी और दस्त लगना, इसमें आयोडियम टेनियम, गले में घेघा होना, भूख ज़्यादा लगना, स्पॉन्जिया 200 और 1000 या 10000 नंबर, आयोडियम 200 और 10000 नंबर, 1000 नंबर, हेक्ला लावा 30 या 200, ब्रोमियम 200 या 1000 नंबर या 10000 नंबर, नेट्रम म्योर 200, नेट्रम क्लोर या नेट्रम म्योर 200 या 1000 नंबर, एट्रोपिनम 30 या 200। इलाज के पहले सप्ताह में थोड़े पानी, एक कप या एक गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में 10 से 15 बूंदे मिलाकर, रात में खाने के बाद 5 बूंद, फिर 10 मिनट के बाद फिर 5 बूंद, 1000 या 10000 नंबर की दवा साप्ताहिक बारी बारी से लेते रहे तो क्वार्टर घेघा रोग, गले का सूजन, बस में जल्दी से आराम होने लगता है और घेघा धीरे धीरे 3-4 महीना 20 दिन के बाद ठीक होने लगता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग B57 मेमोरी ड्रॉप्स, बैक्सन के 57 ड्रॉप्स, स्मरण शक्ति में कमजोरी, विद्यार्थियों में दोष युक्त विकास, उदासीनता, सुस्ती, चक्कर आना, थकावट, इसमें जेल्थीमियम 30, एनाकार्डियम 200, एकोनाइट 200, बेलाडोना 200, चाइना 30 या 200, चाइना आर 30 या 200, कल की कालीफॉस 6x, बारी बारी से 5 बूंद या 4 टिकिया, हर आधे घंटे पे बदलते हुए दवाएं लेते रहें, जेल्थीमियम 200 या 30, कालीफास 6x, एनाकार्डियम 200, और आधे घंटे पे दवा लेते रहें, लाइकोपोडियम 200, चाइना 30, सीपीआर 200 या 1000 नंबर, बारी बारी से लेने से जो दवा ज़्यादा फ़ायदा करे उसका उपयोग ज़्यादा करें, हर घंटे आधे घंटे पे एक गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में 5 बूंद या 10 बूंद दवा मिलाकर खाने के पूर्व 3-4 बार हर आधे घंटे पे दवा बदलते रहे, रात में सोने के बाद दवा न ले, आराम अपने आने पर यही मात्रा दिन में 5-6 बार एक एक घंटे 2-2 घंटे पे लेते रहे 2-3 महीने तक, तो मेमोरी काफ़ी शार्प हो जाती है और 90% मार्क्स मिलने की तरफ आप अग्रसर हो जाएंगे। हर चीज़ जो भी याद करना है उसको लिख के, बार बार लिख के याद करें तो कभी भूलेगा नहीं। मोबाइल पे भी अपना वीडियो लोड करते रहे तो और ज़्यादा याददाश्त तेज़ हो जाएगी। बैक्सन के B58 न्यूमोहिपैटिक ड्रॉप्स, मंद यकृत और फेफड़ों की बीमारी जैसे निमोनिया, टीबी आदि की वजह से भूख न लगना और कम तापमान के प्रति सूक्ष्मग्राहिता,
इसमें खांसने से सीने में दर्द में ब्रायनिया 200 और फास्फोरस 200, लीवर में सूजन और फेफड़े की बीमारी में चाइना 30, कल्केरिया कार्ब 200, ऑर्थेनिक अल्बा 200, रस्टाक्स 200। बुखार होने पे एक दिन 24 घंटा दूध, चाय, बतासा, पानी उबाला, गुड़ खा के पानी पीते जाए। आज और कल परसों से तीसरे दिन से दाल रोटी, दूध, चाय, बतासा, पानी उबाला एक हफ्ता ले, जिससे पूरी ताकत आ जाए और बुखार भी उतर जाए। सिर दर्द, बदन दर्द, कोरोना, ओमिक्रॉन, चिकनगुनिया, चेचक, कोई भी बुखार हो, डेंगू बुखार, कोई भी टीबी हो या ग्लैंड सिस्ट बच्चेदानी में या ओरी में या कहीं भी ग्लैंड हो, गले में, जांग में, तो सब धीरे धीरे गलने लगता है। उसमें कोनियम टेनियम और कल्केरिया फ्लोर 200। दर्द हो तो मरसाल 1000 या 10000 नंबर वीकली लेते रहे बदल बदल के, तो उससे सारे ग्लैंड गिल्टी दर्द सब में आराम हो जाता है। लाइकोपोडियम 200 और कार्बोवे 30 या 200 और चाइना 30 या 200 लेने से पेट दर्द, गैस, गैस्ट्रिक अल्सर, कोई भी पेट संबंधी रोग, कल्केरिया कार्ब 200 लेते रहे बारी बारी से, साइलेसिया 200 या 1000 नंबर और लाइकोपोडियम 200। तो न्यूमो हिम्पैटिक ड्रॉप्स मंद यकृत और फेफड़ों की बीमारी जैसे निमोनिया, टीबी आदि की वजह से भूख न लगना और कम तापमान के प्रति सूक्ष्म ग्राह्यता, उसमें जाड़ा ज़्यादा लगता है, ठंडक, उसमें चाइना 830 और स्टॉक्स 200 बारी बारी से लेने से बहुत लाभ होता है। टीबी के लिए ट्यूबरकुलिना में 1000 वीकली, रात में खाने के बाद 5 बूंद, फिर 10 मिनट के बाद फिर 5 बूंद लेने से बहुत जल्दी लाभ होने लगता है। साइलेसिया 200 या 1000 नंबर, कल आर्सेनिक आयोडाइड 30 या 200 लेने से टीबी रोग में बहुत जल्दी लाभ होने लगता है।